Assalamu alaikum, this is Dr. Sajjad. This lecture is about the RAID, that is a redundant array of independent disk. And in some lecture you would find it as redundant array of inexpensive disk. By definition, what actually the RAID is, it is a set of or a collection of physical devices arranged in such a manner, accessed in such a manner that it can be viewed as a single logical device to the operating system and to the processor. The philosophy behind it is the data is distributed across the physical devices so that it can be accessed in a redundant manner. In principle, we have three constraints and which are actually the motive behind this RAID. The first one is to have a better capacity, improved performance, and a reliability for the redundancy for the reliability. Though these are the three basic motives, capacity, performance, and redundancy behind a RAID, but we need to make a trade-off between the capacity, performance, and the redundancy. Actually, there are three different techniques of a RAID. One is implementation of a RAID by stripping, means distribution of a data across different physical devices. Then mirroring means making a copy of a data on a multiple devices. And the third is the parity, means creating a parity checksum, parity calculation of a data and store it into a separate device. Like for example, if we have a data aur hum uski parity compute karte hain, and in case if the data has been lost, so you can simply regenerate the data by using its parity. मिररिंग में हमें सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इफ़ वी मेक अ मिररिंग ऑफ अ डेटा और इन केस इफ एनी ऑफ द ड्राइव इज लॉस्ट और अ ब्रोकन, सो अ डेटा कुड बी रिट्रीव्ड फ्रॉम इट्स मिरर इमेज. स्ट्रिपिंग का फ़ायदा यह है कि हमारे पास जो डेटा है वो मल्टीपल डिवाइसेस, मल्टीपल डिस्क के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेलियर ऑफ अ डिवाइस इज लेसर. तो अगर हमारा एक ब्लॉक अगर डिस्ट्रॉय भी होता है तो वी कैन हैव सम पोर्शन ऑफ अ डेटा इनटू द अदर डिस्क एज वेल. अच्छा, इन तीन पैरामीटर्स को, कैपेसिटी, परफॉर्मेंस और रिडंडेंसी को, इनको रिलेटिव मोड में देखते हैं. यानी हम किसी रेट लेवल के लिए कहेंगे कि कैपेसिटी ज़्यादा है या कम है. तो यहाँ पर ज़्यादा और कम का मतलब रिलेटिव है. मीन्स ऐसा हो सकता है कि लेवल ज़ीरो की कैपेसिटी ज़्यादा है लेवल वन से. तो जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होता है कि अगर हम कहते हैं कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा किस से है, तो देयर शुड बी सम रेफरेंस पॉइंट फॉर इट. तो हम अपने इस लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि रेड के डिफरेंट लेवल्स क्या क्या हैं, ये लेवल्स इसकी अरेंजमेंट मैकेनिज्म है, और इनको हम डिस्कस करेंगे एज अ फंक्शन ऑफ देयर कैपेसिटी, एज अ फंक्शन ऑफ देयर परफॉर्मेंस, एंड अ फंक्शन ऑफ देयर रिडंडेंसी. कैपेसिटी कैन बी फॉर्मुलेटिव, उसको हम बाय यूजिंग फार्मूला भी हम देखेंगे किस तरह से हम उसको फार्मूलेट करेंगे. परफॉर्मेंस उसकी निकाली जा सकती है, और इसकी रिडंडेंसी उसकी रिलायबिलिटी को रेफर करती है. हम अब रेड के डिफरेंट लेवल्स देखते हैं. फॉर एग्जांपल, रेड ज़ीरो. इन रेड ज़ीरो वी यूज़, ऑल्दो इट इज़ नॉन रिडंडेंट, यानी रिडंडेंसी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ होती है, रिडंडेंसी नहीं होती. यहाँ पर हमारे पास मेजर जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं वो स्ट्रिपिंग की यूज़ करते हैं. जैसे कि मैंने कहा कि रेड के लेवल्स में या तो स्ट्रिपिंग इस्तेमाल होगी, या मिररिंग इस्तेमाल होगी, या पैरिटी इस्तेमाल होगी, या फिर इनके कुछ हाइब्रिड इस्तेमाल होंगे. हो सकता है कि स्ट्रिपिंग भी हो और मिररिंग भी हो, हो सकता है मिररिंग भी हो, पैरिटी भी हो, पैरिटी भी हो, स्ट्रिपिंग भी हो, तो देयर कुड बी मल्टीपल कॉम्बिनेशंस ऑफ इट. तो इसके डिफरेंट लेवल्स हम देखते हैं. सबसे पहले इसका लेवल ज़ीरो है. लेवल ज़ीरो जिसको हम रेड ज़ीरो कहते हैं, और इसको समझने के लिए, इट इज़ अ नॉन रिडंडेंट, मींस देयर इज़ नो कॉपी ऑफ अ डेटा स्टोर्ड इनटू द अदर ड्राइव्स. फॉर एग्जांपल, यू आर गिवन विद दीज फोर फिजिकल ड्राइव्स, ये चार डिस्क हैं फिजिकल, जिसको कंप्यूटर एज अ सिंगल लॉजिकल डिस्क ट्रीट करेगा. इसमें आप अपने डेटा को डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट स्ट्रिप्स के अंदर. यानी वन सेगमेंट ऑफ अ डेटा कैन बी स्टोर्ड हेयर, सेकेंड हेयर, इसी तरह थर्ड, फोर्थ, इस तरह इस डेटा को स्ट्रिप्स की फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं. यहाँ पर इसके दो फायदे होते हैं. पहला फ़ायदा तो उसका ये
कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, लेट से कि 10 इंस्ट्रक्शंस हैं, तो आप उस 10 इंस्ट्रक्शन को लेट से आपके पास डिवाइड कर देंगे इन 4 सेगमेंट्स में, तो हर एक सेगमेंट के लिए 2.5 इंस्ट्रक्शंस उसके लिए प्रोसेसिंग टाइम डिवाइड हो जाएगा। या फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझ लें कि इफ़ यू हैव 20 इंस्ट्रक्शंस, तो अगर आपके पास एक ही डेस्क है तो वो पूरा 20 का टाइम आपको राइटिंग या रीडिंग टाइम रिक्वायर्ड होगा एक डेस्क के लिए। लेकिन अगर इन पैरेलल उसी 20 इंस्ट्रक्शंस को डिवाइड कर दिया जाए 4 डेस्क के अंदर, तो हर एक के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो 5 यूनिट होगा, क्योंकि ये तीनों चारों आपस में पैरेलल में है, तो इसका जो टोटल टाइम है वो टोटल टाइम डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। मीन्स जो एक्सेस टाइम है दैट वुड बी रिड्यूस्ड बाय 4। तो हम इस केस के लिए कह सकते हैं कि हमारे पास परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। मैं इसको मज़ीद और क्लियर करता हूँ, इसको एक एग्जांपल से समझें। आपके पास दो लोग हैं और आपने कहा है कि उनको ए से लेके जेड तक 26 अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं। अब एक तरीका ये हो सकता है कि आप एक ही आदमी को कहें कि एक से लेके जेड तक 26 अल्फ़ाबेट लिखे, उसमें उसको राइट करने में टाइम रिक्वायर्ड होगा। अगर हम इसी को डिवाइड कर दें दो लोगों में, हम उसमें कहते हैं कि जी एक आदमी जो है वो फर्स्ट से लेके 13 तक के अल्फ़ाबेट लिखे और दूसरा जो है वो 14 से लेके 26 तक के अल्फ़ाबेट लिखे, और दोनों काम पैरेलल में कर रहे हैं, तो अल्फ़ाबेट्स आपके ए से लेके जेड तक ही होंगे, लेकिन अब उसका जो प्रोसेस टाइम है वो डिवाइड हो गया दो लोगों के अंदर, यानी जो टोटल प्रोसेस टाइम है वो आधा हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी जितनी नंबर ऑफ डेस्क आप लगाएंगे इन पैरेलल में, फॉर एग्जाम्पल एन नंबर ऑफ डेस्क हैं, तो आपका जो टोटल एक्सेस रीड राइट टाइम होगा वो 1/n होगा, यानी इनमें डिवाइड हो जाएगा। दूसरा, इसकी कैपेसिटी का अगर हम फार्मूला देखें तो हम इसको फार्मूला, इसका साइज हम कहेंगे n/s। n इज नंबर ऑफ डिवाइस एंड s इज द कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल डिवाइस। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक डिवाइस का साइज 1 GB है और आपके पास 4 डिवाइसेस लगी हैं, तो टोटल डिवाइस का साइज आपके पास 4 GB हो जाएगा। सेकेंड टाइप या सेकेंड लेवल इज RAID 1। इस ये RAID 1 काम करता है मिररिंग के प्रिंसिपल पे। जैसे हमने बात की कि RAID 0 स्ट्रिपिंग के प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, RAID 1 मिररिंग के प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। इसको अगर हम देखें तो आपके पास एक डेस्क स्ट्रिप 0 एक डेस्क है, इसकी स्ट्रिप 0 है, स्ट्रिप 0 का ही एक बैकअप आपने बना लिया, स्ट्रिप 1 का एक बैकअप बना लिया, तो टोटल आपके पास जितनी डिस्क स्पेस मौजूद है उसका ही आपने एक बैकअप बना लिया, उसका एक मिरर बना लिया। उसका हमें फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास रिडंडेंसी मैक्सिमम हो जाती है, यानी कि अगर हम इसको ट्रिपल कंस्ट्रेंट में देखें तो रेड लेवल फॉर एग्जांपल ये एक सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट बता रहा है कि कैपेसिटी, परफॉर्मेंस, रिडंडेंसी, इन तीनों का एरिया ये बता रहा है कि ये तीनों बराबर हैं। अगर मैं इसमें RAID 0 की बात करूं तो RAID 0 के अंदर कैपेसिटी बढ़ जाएगी, यानी ये कैपेसिटी वाला एरिया, ये पॉइंट बढ़ जाएगा, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, तो हम कहेंगे कि ये वाला पॉइंट यहाँ ऊपर से थोड़ा सा ये पॉइंट नीचे की तरफ आ जाएगा। यानी अगर हम RAID 0 की बात करें तो RAID 0 में हमने बात की थी कि RAID 0 में हमारे पास कैपेसिटी बढ़ जाएगी, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, रिडंडेंसी कम है, रिडंडेंसी उसमें इनफेक्ट है ही नहीं। तो हमने जो ये ट्रिपल कंस्ट्रेंट बनाया है, कैपेसिटी, परफॉर्मेंस, रिडंडेंसी, इसका एक ये सेंटर पॉइंट बनाया है। इस सेंटर पॉइंट का मतलब ये भी बता रहा है कि जो कैपेसिटी का ये एरिया है, रिडंडेंसी का जो एरिया है, परफॉर्मेंस का जो एरिया है, ये सब एक दूसरे के रिलेशन में बराबर हैं। इसका मतलब है कि ये सेंटर पॉइंट ये जाहिर कर रहा है कि किसी लेवल में कैपेसिटी, परफॉर्मेंस, रिडंडेंसी तीनों कंस्ट्रेंट जो हैं वो इक्वली फुलफिल हो रहे हैं। RAID 0 में हम देखें तो RAID 0 में हमारे पास परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो इसका मतलब है ये पॉइंट यहाँ से निकल के ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। जब इस पॉइंट को आप यहाँ पे लेके आएंगे और इसको यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो आपके पास कैपेसिटी का एरिया बढ़ गया। अब कैपेसिटी का एरिया पहले इतना था, अब ये बढ़ गया, परफॉर्मेंस बढ़ गई, लेकिन कैपेसिटी और परफॉर्मेंस बढ़ने की वजह से रिडंडेंसी कम हो गई। तो इसमें आपको ट्रेड ऑफ मिलेगा बिटवीन कैपेसिटी, परफॉर्मेंस एंड रिडंडेंसी।
दूसरा लेवल आपने देखा रेड वन। रेड वन में आपने देखा कि जो भी आपका डेटा होगा उसकी मिरर इमेज बनेगा, यानी अगर हम उसके साइज़ के हवाले से बात करें कि मेरे पास अगर एक डेस्क है 1 GB की और एक डेस्क है 1 GB की, और अगर मैं उस 1 GB का डेटा का मिरर बना रहा हूँ दूसरी 1 GB में, तो टेक्निकली मेरे पास जो वैसे अगर फिजिकल स्पेस देखें तो मेरे पास 2 GB है, लेकिन लॉजिकली अगर देखें तो वो सिर्फ 1 GB है, क्योंकि 1 GB में तो उसका मिरर इमेज है। ये बिल्कुल ऐसी है कि आपने अपनी कंप्यूटर के अंदर 2 हार्ड ड्राइव लगाई, एक हार्ड ड्राइव 1 GB की लगाई, दूसरी हार्ड ड्राइव 1 GB की लगाई, 1 GB हार्ड ड्राइव में जो डेटा आपने कॉपी किया उसी की एक कॉपी आपने बना ली दूसरी हार्ड ड्राइव की 1 GB में, तो अगर फिजिकली देखें तो आपके पास 1 GB 1 GB 2 GB हार्ड ड्राइव है, लेकिन लॉजिकली अगर देखें तो वो एक 1 GB हार्ड ड्राइव ही है। तो उससे आपको फ़ायदा ये हुआ कि आपकी रिलायबिलिटी तो बढ़ गई, कि कभी अगर आपकी एक ड्राइव अगर क्रैश होती है तो आप दूसरी ड्राइव से अपना डेटा रिकवर कर सकते हैं। रिलायबिलिटी रिडंडेंसी की वजह से बढ़ गई, लेकिन इसकी कैपेसिटी कम होगी, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है भी यहाँ से शिफ्ट होके इस जगह पे आ जाएगा। तो हम इसकी जब ये पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होके लेट से यहाँ पर आ गया, तो यहाँ आने के बाद हम देख रहे हैं कि अगर हम इसको इसी ट्रिपल कंस्ट्रेंट में देखें तो अब आपके पास कैपेसिटी कम हो गई, परफॉर्मेंस कम हुई, लेकिन आपकी रिलायबिलिटी का एरिया रिडंडेंसी की वजह से बढ़ गया। तीसरा, आपके पास जो लेवल 3 आपके रेट 2 आपके पास आता है, रेट 2 के अंदर हम क्या करते हैं कि आपके पास जितनी भी हार्ड ड्राइव्स हैं उनका एक हैमिंग कोड निकाल लेते हैं। इसमें हर एक स्ट्रिप का हैमिंग कोड 3 बिट का होगा, यानी कम से कम आपको 3 ड्राइव्स चाहिए होंगी इसके हैमिंग कोड को स्टोर करने के लिए। तो अगर मैं इसका टोटल साइज़ देखूं तो साइज़ के हिसाब, अच्छा, ये इस हैमिंग कोड का फ़ायदा ये होगा कि कल को अगर इनमें से कोई एक हार्ड ड्राइव डैमेज भी होती है तब भी यहाँ इस हैमिंग कोड से इस डेटा को दोबारा से रीजनरेट किया जा सकता है। तो अगर हम इसके साइज़ के हवाले से बात करें तो टोटल आप जितनी भी फिज़िकल स्पेस की डेस्क लगा लें उसमें से अगर एन नंबर ऑफ डेस्क हैं तो उसमें से 3 डेस्क तो आपके लिए यूजेबल नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर हैमिंग कोड स्टोर होगा। तो अगर हम इसका साइज़ निकालें रेट 2 का, रेट 2 का साइज़ हमारे पास बनेगा एन, यानी जितनी भी नंबर ऑफ डिस्क लगाई हैं, लेट्स से कि अगर आपने 8 लगाई हैं तो उसमें से -3 हो जाएंगी हैमिंग कोड के लिए, तो एन -3 इंटू एक डिस्क का साइज़ एस, वो आपके पास नंबर ऑफ साइज़। तो इसमें से आपको ये हुआ कि ये पॉइंट जो है ये अब थोड़ा सा इस तरफ मूव हो जाएगा, यानी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, रिडंडेंसी बेहतर हो जाएगी, लेकिन कैपेसिटी कम हो जाएगी, वो एन -3 कैपेसिटी हो गई। इसी तरह से आपके पास रेड लेवल 4 है, रेड लेवल 4 में आप बजाय इसके कि हैमिंग कोड इस्तेमाल करें वी यूज़ पैरिटी। पैरिटी के लिए वी नीड टू हैव ओनली सिंगल बिट, तो इंस्टेड ऑफ ये 4 डिस्क अगर हमारे पास हैं और हम इसका हैमिंग कोड निकालते हैं तो उसके लिए हमें 3 डिस्क पैरेलल में लगानी होती है, लेकिन पैरिटी के लिए हम इसमें एक ही डिस्क लगाएंगे, तो हमारा जो इसका साइज़ बन जाएगा वो एन -1 टाइम्स S बन जाएगा। तो अगेन जो आपका ट्रिपल कंस्ट्रेंट पॉइंट है ये थोड़ा सा शिफ्ट होगा कि कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, परफॉर्मेंस थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ होगी और रिडंडेंसी बढ़ जाएगी। तो जब भी आप किसी रेड लेवल को देखेंगे तो आप हमेशा उसको कैपेसिटी, परफॉर्मेंस और रिडंडेंसी के हिसाब से देखेंगे। फिर आपके पास रेड 5 आता है, रेड 5 के अंदर आपने इस जो पैरिटी आपने लगाई थी उस पैरिटी को बजाय एक सॉरी रेड 4 है, रेड 4 के अंदर हमने बजाय हर बिट लेवल पैरिटी कंप्यूट करने के लिए हमने ब्लॉक लेवल पैरिटी कर दी, यानी कि पूरे हार्ड ड्राइव को इन टर्म्स ऑफ ब्लॉक डिवाइड किया और हर ब्लॉक के हिसाब से उसकी पैरिटी, फॉर एग्जांपल इस हार्ड ड्राइव के पहले सेगमेंट के अंदर जो पहले ब्लॉक की पैरिटी स्टोर कर दी। सिर्फ यहाँ पे ड्रॉबैक ये है कि अगर ये पैरिटी वाली हार्ड ड्राइव क्रैश हो जाती है और इसमें से कोई एक और हार्ड ड्राइव भी क्रैश हो जाती है तो जो हार्ड ड्राइव क्रैश हुई है उसका डेटा दोबारा से रिकवर नहीं किया जा सकेगा। तो अगर 2 ड्राइव अगर क्रैश होती हैं, पैरिटी और एक और कोई ड्राइव अगर क्रैश होती है तो हार्ड ड्राइव डेटा कैन नॉट बी इस जो हार्ड ड्राइव क्रैश होगी उसका डेटा रिकवर नहीं किया जा सकेगा।
इस लेवल को हम कहते हैं ब्लॉक लेवल पैरिटी, इसका भी साइज सिमिलर होगा रेड 3 के साथ। फिर हमने इस चीज़ को मज़ीद इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को, या प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर ये एक डिवाइस है, इसकी अगर ये डिवाइस क्रैश होती है तो सबकी जो पैरिटी है वो क्रैश हो जाएगी। तो बजाय इसके कि हमने इसको एक जगह रखने के, इस पैरिटी को डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया, ताकि अगर कोई एक डिवाइस क्रैश भी हो तो क्रैश होने से सिर्फ उसके एक ब्लॉक का डेटा ज़ाया होगा, लेकिन हमारे पास बाकी जो डिवाइसेज हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास ये वाली डिवाइस अगर क्रैश होती है, तो उसमें 0 से 3 तक की हमारी ब्लॉक लेवल पैरिटी हमसे ये डिस्ट्रॉय होगी, लेकिन 0 से 3 तक का डेटा हमारे पास मौजूद है। ये ब्लॉक 7 जो है वो डिस्ट्रॉय होगा, लेकिन ब्लॉक 7 की पैरिटी मौजूद है, तो आप इसको दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं। ब्लॉक 11 हमारे पास डिस्ट्रॉय होगा, लेकिन ब्लॉक 11 की पैरिटी हमारे पास है, तो उसको दोबारा से रीजनरेट किया जा सकता है। इसी तरह ब्लॉक 15 को भी रीजनरेट कर सकते हैं उसकी पैरिटी से, और ब्लॉक 19 को भी उसकी पैरिटी से रीजनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये प्रॉब्लम था कि अगर कोई एक डिस्क क्रैश हो गई तो उसके तमाम पैरिटी, दो ब्लॉक की जो अगर हार्ड ड्राइव क्रैश होती है तो वो डेटा यहाँ पर ज़ाया नहीं होगा। इसके बाद लास्ट रेड की प्रॉपर्टी है, दैट इज़ रेड 6। रेड 6 के अंदर बिल्कुल सिमिलर है रेड 5 के, सिर्फ इसमें एक एडिशनल ये है कि यहाँ पर पैरिटी की डुअल पैरिटी कर दी जाती है, और वो भी डुअल पैरिटी एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले आपने ब्लॉक 0 से 3 तक की पैरिटी बनाई, और इसी का एक मिरर आपने बना दिया यहाँ पर, यानी एक तरह से आपकी पैरिटी भी इस्तेमाल हो रही है और मिररिंग भी इस्तेमाल हो रही है। ब्लॉक 3 की पैरिटी बनाई और उसी की एक कॉपी आपने एक और 0 से 3 तक की पैरिटी बनाई। इन केस अगर ये क्रैश हो जाता है तो आपके पास ये पैरिटी मौजूद, ये डाटा आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। अगर ये भी क्रैश हो जाता है और ये भी क्रैश हो जाता है, तब भी आपके पास डाटा मौजूद है। अगर इसमें से ये हार्ड ड्राइव क्रैश होती है, तो आप 3 को रीजनरेट कर सकते हैं इन पैरिटी से मदद से। अगर फॉर एग्जांपल ये वाली हार्ड ड्राइव भी क्रैश हो जाए, ये भी हार्ड ड्राइव भी क्रैश हो जाए, तब भी आप इस पैरिटी से इसको रिट्रीव कर सकते हैं। तो इस तरह यह हुआ कि ब्लॉक की पैरिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस है वो मिनिमाइज हो जाएगा। लेकिन अगेन यहाँ पर एक जब एक तरह हम इसकी रिडंडेंसी को बढ़ा रहे हैं, परफॉर्मेंस को बेहतर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा जो स्टोरेज है वो कम हो जाएगा, यानी कि ये n-1 होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर 10 डिस्क, 4 डिस्क आपके पास यूजेबल हैं, तो ये n-2, ये 2 डिस्क जो हैं ये आपके पास पैरिटी के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, क्योंकि अगर आप इन सब ब्लॉक को एक्यूमुलेट करें तो ये 2 डिस्क के बराबर बनता है। यानी कि पी को अगर आप देखें तो 1, 2, 3, 4, तो ये सब मिला के एक हार्ड ड्राइव के बराबर है। क्यू को अगर आप देखें तो क्यू के भी Q1, 2, 3, 4, ये सब भी मिला के एक पूरी हार्ड ड्राइव के बराबर होंगे। तो ये बेसिकली 6 डिफरेंट लेवल्स हैं रेड 0 से लेके रेड 6 तक। ये आपको ये बताते हैं कि आपके अगर मल्टीपल फिजिकल हार्ड ड्राइव लगानी है, लेकिन वो लॉजिकली एक ही हार्ड ड्राइव के तौर पे ट्रीट हो, और उसमें आपने इस चीज़ को भी देखना है कि आपको परफॉर्मेंस रिडंडेंसी और कैपेसिटी, इन सब का एक ट्रेड ऑफ मिल सके, तो उसके लिए वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ रेड।